हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 ऑफ क्लास 6। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द क्वोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि क्वोशेंट फाइंड करना है। हमने देखो एडिशन फाइंड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, और अब आपको सीखना है क्वेश्चन फाइंड करना। क्वेश्चन का मतलब ये कि डिवाइड देखिए जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंटीजर्स का डिवाइड देना है तो कैसे, सिंपल डिवाइड हमको आता है। ठीक है, लेकिन जब माइनस प्लस या ऐसी कोई माइनस वाली डिजिट दे रखी हो, प्लस वाली दे रखी हो, और फिर उनको डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 27 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, 27 को आपको डिवाइड देना है किससे, माइनस के 3 से। ठीक है, तो इस 27 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस डिवाइड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ 27 डिवाइडेड बाय -3, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो 27 में प्लस का, ठीक है, 27 में आप 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आंसर, 9। कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस, प्लस माइनस जो है वो क्या आता है हमारा, माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको डिवाइड देना है और फिर साइन का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि साइन कौन सा आएगा। ठीक है, तो साइन अपने वही वाले साइन है जो हमने मल्टीप्लाई में जैसे यूज करते हैं, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करना है आपको। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन 3 आपको करना है। तो इसका ही क्वेश्चन 3 है जिसमें ये भी माइनस का है और ये डिजिट भी माइनस, यानी दोनों डिजिट माइनस की दे रखी हो और तब आपको डिवाइड करने को बोले, तो आपको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, तो देखो आपको 65 में आप अगर डिवाइड देंगे 13 का, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 13 × 5 = 65 होता है, यानी कि 5 बार गया। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस, यानी कि यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आप इजीली, अगर आपको माइनस प्लस का अगर नॉलेज है तो आप इजीली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका 5th क्वेश्चन है। तो इसमें एक डिजिट माइनस की और एक आपकी प्लस की, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस की डिजिट है। ठीक है, तब इसको आपको कैसे करना है, देखो कि 136 में अगर आप 17 का डिवाइड देंगे तो 17 × 8 = 136 होता है। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड गया आपका, 8 बार आपका डिवाइड गया, और साइन किसका आएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस, यानी कि यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखो आपका 6th क्वेश्चन है इसका, 0 / -13। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 में आप किसी भी चीज का डिवाइड दो, किसी भी डिजिट का डिवाइड दो, चाहे माइनस की है चाहे प्लस की है, कुछ भी है, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। और यहाँ पे तो सिंबल का भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे खाली आंसर हमारा क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी बड़ी डिजिट दे रखी है, लेकिन एक माइनस की और एक प्लस की है। ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये बड़ी डिजिट है थोड़ी सी, तो आपको मैं नंबर को काटते कैसे हैं वो काटना सिखाऊंगी, कैसे काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, थोड़ा नीचे है ना, ऊपर स्पेस चाहिए, इसलिए 156 × 25 / 125 और आगे माइनस है। ठीक है, और इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। ठीक है, अब देखो आपको काटना सिखा रही हूं मैं, कि अगर मैं इन दोनों को मैं 5 की टेबल से काटूं, इसके भी लास्ट में 5 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 की टेबल से कटेगा। ठीक है, दोनों कटेंगे, दोनों को हमको ऐसी टेबल से काटना है जिसमें दोनों का डिवाइड जा रहा हूं, अगर इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, तो भी आप काटोगे नहीं। ठीक है, दोनों में सेम डिजिट का जाना चाहिए, इसमें भी 5 का जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है। देखो 5 का डिवाइड अगर मैं 12 में देती हूँ, कितनी बार जाता, 5 × 2 = 10। ठीक है, 12 में दिया, 10 आया, 2 रिमाइंडर बच गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं 2 लिख रही हूँ। ठीक है, यानी कि हमको याद रहे यहाँ पे अब कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25। ठीक है, अब 25 में 5 का डिवाइड कितनी बार जाता है, 5 बार। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो इसको काटते हैं 5 की टेबल से, 5 की डिवाइड में 15 में दूंगी, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है, 6 में हम 5 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 5 × 1 = 5 और रिमाइंडर कितना बचा, 1।
तो ये वन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सिक्स में से फाइव तो हमने ले लिया, फाइव वन जा फाइव, लेकिन एक हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, सिक्स था इसलिए फाइव में से, सॉरी सिक्स में से फाइव गया तो एक बचा है ना, वन बचा, ठीक है। अब ट्वेल्व में आप फाइव का डिवाइड दोगे तो फाइव टू जा टेन, ठीक है, और ट्वेल्व में से टेन हमने ले लिया, टू रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब ट्वेंटी फाइव हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अगेन अभी भी फाइव का डिवाइड जा रहा, फाइव का वापस दो, फाइव का डिवाइड ट्वेंटी फाइव में फाइव बार जाता है, इसमें आप फाइव का डिवाइड देंगे, थर्टी वन में फाइव का डिवाइड कितनी बार जाता है, सिक्स बार, ठीक है। थर्टी वन था और थर्टी सॉरी फाइव सिक्स जा थर्टी होता हमारा, और यहाँ पे थर्टी वन लिखा हुआ है, मतलब वन रिमाइंडर बचा हमारा, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वन लिख देती हूँ, यानी कि ये ट्वेल्व हो गया। अब ट्वेल्व में आप फाइव का डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, फाइव टू जा टेन, और ट्वेल्व था यहाँ पे और हमने टेन तक ही लिया है, तो यानी कि टू रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टू लिख देती हूँ, यानी कि ट्वेंटी फाइव हो गया। अब ट्वेंटी फाइव में फाइव का डिवाइड कितनी बार जाएगा, अगेन फाइव बार, अभी भी जा रहा है फाइव का डिवाइड, देखो फाइव का डिवाइड इसमें जाया गया वन बार, फाइव वन जा फाइव, फाइव का डिवाइड मैं सिक्स में दूंगी कितनी बार जाएगा, इधर लिख रही हूँ वन बार, ठीक है, फाइव वन जा फाइव और रिमाइंडर कितना बचा वन। फिर ट्वेल्व में आप फाइव का डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, फाइव टू जा टेन, है ना, टू बार गया और टेन ही आया। अब यहाँ पे ट्वेल्व लिखा हुआ हमने टेन ही लिया है ना, लेकिन टू रिमाइंडर बच गया तो ये ट्वेंटी फाइव हो गया, ठीक है। ट्वेंटी फाइव में आप फाइव का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, फाइव बार। अब देखो हमारा आंसर आ गया है 125 डिवाइडेड बाय 1, 125 में 1 का डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 125, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे माइनस भी था आ गया ना, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर आया आपका माइनस का 125, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और अगर काटना फिर भी नहीं समझ आया, वैसे आपको सीखना है काटना, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि काटना आना चाहिए, अब सिक्स क्लास में आ गए हम, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ एक बच्चे हैं जिनको अगर नहीं समझ आया काटना, तो आप डायरेक्ट डिवाइड दे देना, इसके अंदर अपन नॉर्मली जैसे ऐसे डिवाइड देते ना, ऐसे डिवाइड दे देना, ठीक है, तो भी आंसर आपका यही आएगा, लेकिन काटना सीखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी क्लासों में आ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन 11, देखो 3000 में आपको डिवाइड देना है माइनस का 1000 का, ठीक है, तो डिवाइड देना है तो आप क्या करो, तीन जीरो से तीन जीरो ये कैंसल आउट कर दो, डिवाइड देना है इसलिए कैंसल आउट कर रही हूँ, ठीक है, काट दो, तीन जीरो से तीन जीरो कट गए। अब थ्री में आप वन का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आंसर, थ्री आएगा, थ्री में वन का डिवाइड देते तो थ्री आता है। और अब देखो यहाँ पे ये डिजिट किसकी है, प्लस की है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का थ्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो आपका ट्वेल्व क्वेश्चन है, तो ट्वेल्व भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम डिजिट दे रखी है 21,325 एंड यहाँ पे भी 21,325, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है, लेकिन अपने को डिवाइड देना है। तो अब देखो सेम डिजिट में अगर सेम डिजिट का डिवाइड दे तो आंसर क्या आता है, वन आता है। जैसे मैं फाइव में अगर फाइव का डिवाइड दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, वन ही आएगा, है ना, फाइव में फाइव का डिवाइड देंगे तो वन ही आएगा। ऐसे इसमें मैं इसका डिवाइड दूंगी तो क्या आएगा आंसर, वन, ठीक है। अब बात आती है साइन की, साइन कौन सा लगेगा, तो देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या बनता है हमारा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन टू है, फिल इन द ब्लैंक, आपका फिल इन द ब्लैंक है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अब देखो 396, 396 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा वन आ जाए। अब 396 में ऐड करेंगे तो हम आगे जाएंगे ना, वन कैसे ला सकते हैं, वन लाने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा, है ना, 396 में कोई चीज ऐड करनी है तो फिर हम आगे जाएंगे, वन कभी आ ही नहीं सकता है, है ना, 397, 398 ऐसे आगे जाएंगे, कभी पीछे कैसे आ सकते हैं प्लस करने पे। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे 3 माइनस 396 कर दो, सॉरी 395, है ना, 396 नहीं 395, ठीक है। अगर देखो आप यहाँ पे माइनस का 395 कर दो, ठीक है, तो देखो हो सकता है कि प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो 396 में से माइनस हो जाएगा 395, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माइनस 395 लिखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 2015, माइनस 2015 में आप किसका डिवाइड दो कि प्लस का 2015 आ जाए। तो देखो सेम डिजिट में हम किसका डिवाइड, देखो यहाँ पे भी वही डिजिट दे रखी है, आंसर में भी वही डिजिट दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे तो वही डिजिट आएगी, वन लिखेंगे तभी वही आएगा,
तो देखो सेम डिजिट आपको लानी है, ये भी ये और ये दोनों सेम डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका डिवाइड दूं कि सेम आता है, किसी भी डिजिट में आप वन का डिवाइड देते हैं तभी सेम आता है ना। अब देखो वन का डिवाइड तो दे दिया मैंने, ठीक है, इसमें वन का डिवाइड दिया तो ये आ जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे इस माइनस का क्या होगा, ये माइनस भी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे अपने को कुछ नहीं आ रहा, मतलब यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ताकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या डिजिट लिखूं कि डिवाइड करने पे 139 का डिवाइड करने पे जीरो आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं, तो कभी भी जीरो में आप किसी डिजिट का डिवाइड देते हो तभी आंसर क्या आता है, जीरो, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसी क्या डिजिट लिखूं कि उसमें 128 का डिवाइड दूं तो आंसर क्या आ जाए, माइनस का टू आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का टू, यानी कि 122 का जो भी नंबर आता है वो आएगा यहाँ पे, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। और 122 का कितना होता है, 256, कितना होता है, 256, ठीक है, यानी कि 256 में 128 का डिवाइड दूंगी तो आंसर कितना आएगा, टू आएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब ये इस माइनस का क्या करें, ये माइनस भी चाहिए हमको, तो यहाँ पे आगे में क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, ताकि ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 256 में आप डिवाइड देंगे 128 का, तो आपका आंसर आएगा माइनस का टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूं कि उसमें 867 का अगर डिवाइड दूं तो आंसर आया मेरा माइनस का वन। तो देखो वन कब आंसर आता है, जब उस डिजिट में उसी डिजिट का डिवाइड आता है, यानी कि 867 में ही आप 867 का डिवाइड देंगे तभी वन आएगा, ठीक है। और अभी ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वन आ रहा है, वन तो सिंपल सा है कि जिस डिजिट जो दे रखी है उसमें उसी का डिवाइड देता है तभी वन आता है, 3205 में ही आप इसका डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है फिल इन द ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे आता है ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि इन्होंने जो दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको बताना है। तो देखो 35 में 5 का डिवाइड देते तो 7 आता है, यस 5 7 35 होता है तो आता है, ये तो सही है। अब देखो साइन की देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का साइन ही है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू, क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। अब देखो जीरो में डिवाइड देंगे 5 का तो आंसर जीरो ही आएगा, यस राइट, जीरो में किसी का भी डिवाइड दो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 81 डिवाइडेड बाय 9, 81 में आप 9 का डिवाइड देते हो तो आंसर 9 ही आता है, लेकिन इस माइनस का क्या, ये कहाँ गया, ये माइनस यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक है साइन की, तो वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, बाकी आप यहाँ ट्रू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 डिवाइडेड बाय माइनस 1, अब 13 में 1 का डिवाइड देंगे तो 13 ही आएगा, ठीक है, फिर माइनस माइनस भी आ रहा है, फिर ठीक है, मतलब ये ट्रू है। अब देखो नेक्स्ट है 132 में डिवाइड देना आपको जीरो का, अब यहाँ पे आंसर आ रहा है जीरो। अब देखो किसी जीरो में अगर आप किसी का डिवाइड दो, अगर यहाँ जीरो होता यहाँ 132 होता, यानी कि जीरो में मैं किसी का भी डिवाइड दू तो आंसर जीरो आता है, यानी कि जैसे जीरो में मैं 5 का डिवाइड दू तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, लेकिन अगर 5 में जीरो का डिवाइड दू तो आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी कि नॉट सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, है ना, 5 में कभी भी आप जीरो का डिवाइड नहीं दे सकते। और तो 132 में जीरो का डिवाइड देने पे जीरो आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट सॉल्यूशन होगा, है ना, नो सॉल्यूशन आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो 149 में डिवाइड दिया 1 का तो 149 ही आएगा, यस 149 में 1 का डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 का डिवाइड देंगे तो 149 ही आएगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब एक लास्ट एक्सरसाइज बची है जो हम नेक्स्ट क्लास में कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।